नहीं, एक्चुअली इस देश में दो विचारधाराएं हैं और दो विचारधाराएं हर समय, हर जगह, हर समाज, हर देश, हर काल में रहती हैं। एक विचारधारा है जो कहती है महात्मा गांधी की हत्या गलत हुई, एक विचारधारा कहती है गोडसे ने ठीक किया। सोचिए, दोनों अपोजिट विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा गोडसे को अच्छा मान रही है और एक विचारधारा कह रही नहीं, गांधी जी अच्छे, गोडसे ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया। इसी तरह इस देश में भगत सिंह को आज भी शहीद आज़म का दर्जा सरकारी रूप से नहीं मिल पाया। शहीद आज़म प्राइवेट रूप से कहते हैं शहीद आज़म, भगत सिंह शहीद का दर्जा वो मिलना चाहिए। तो इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई का भी जीवन चरित्र इस तरह का बन गया है कि इस देश में एक ऐसी भी संख्या है, एक ऐसा भी मत है, एक ऐसे भी लोग हैं, युवक हैं, युवती हैं, लड़के लड़कियां, सभी तरह के लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का सम्मान भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं और उसकी, भगत सिंह के प्रति समर्पण की भावना की कदर करते हैं, नशा मुक्त समाज बनाने की जो भावना है उसकी भी कदर करते हैं। तो एक ऐसी विचारधारा चल पड़ी है। दूसरी विचारधारा सलमान खान की है, सलमान खान को अच्छा कहती है, सलमान खान ठीक है, लेकिन सलमान खान के मामलों में भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है सलमान खान अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार, बहुत बढ़िया, बिग बॉस शो बहुत अच्छा चलाया। एक विचारधारा कहती है बिग बॉस शो बहुत गलत है, चरित्रहीनता लाता है, नैतिक पतन खत्म कर रहा है, हमारे समाज को ख़त्म कर रहा है, पाश्चात्य सभ्यता को ला रहा है, हमारा जीना दूभर कर रहा है, हमारी नई पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, बर्बाद कर दिया ऐसे सीरियल्स ने, बर्बाद कर दिया ऐसे शो ने जो बिग बॉस शो चलाए गए, इसका विरोध। एक विचारधारा आई कि हाँ हत्या हो गई हिरन की, सलमान खान पे केस चला, सजा हुई, सजा के बाद ये तो प्रूव हो गया कि हिरण की हत्या हुई और मारा गया। अब हिरण पे धार्मिकता भी है, जिस देश में गाय, गंगा, गीता और गायत्री पे भी धार्मिकता है तो हिरण पे भी धार्मिकता है। विश्नोई समाज इस देश का बहुत शिक्षित, बुद्धिजीवी, राजनीतिक रूप से दक्ष, सामाजिक रूप से दक्ष, व्यापारिक रूप से दक्ष, कृषि के क्षेत्र में दक्ष, बहुत एक्टिव और मजबूत समाज है। और भी समाज है, हमारा जाट समाज भी है, गुजर समाज भी, राजपूत समाज भी, ब्राह्मण समाज भी, वैश्य समाज भी हमारा समाज है, निचले तबके का जो बोला जाता है समाज वो भी बहुत ऊँचाई पर पहुँचा, सब समाज हैं, लेकिन वहाँ तक की बात यह है। तो हिरण उनकी अपनी धार्मिकता है, हिरण उनकी आस्था है, हिरण उनकी श्रद्धा है, भक्ति है। और जो हरियाणा से आगे, रोहतक से आगे की बेल्ट, हिसार और सिरसा और होती हुई सीकर और उधर उधर जोधपुर तक, वो बेल्ट पूरी चली गई है हरियाणा और राजस्थान। बिश्नोई समाज का प्रभाव हरियाणा में, राजस्थान में है, राजनीतिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से भी है। तो वो हत्या हुई उनके लिए गलत है, तो पूरा केस लड़ा गया, कन्विक्शन। लेकिन दिक्कत यह है, अभी भी सलमान और उसकी फैमिली कहती है कि हमने हिरण मारा ही नहीं। देखिए, वो कहते हैं लेकिन आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट फाइल के बाद ट्रायल चला, ट्रायल में कन्विक्शन हुआ, तो इस आधार पर हमें मानना तो पड़ेगा, सबूतों के आधार पर माननीय अदालत का तो मानना पड़ेगा, हमें अदालत का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन परिवार हुआ, वो हुआ, वो व्यक्ति तो कहता रहता है, वो व्यक्ति कह रहे, लेकिन हमारा माननीय न्यायालय पर तो विश्वास है। और अब तो इसीलिए इस विश्वास को बनाए रखने के लिए देश में जो कानून की मूर्ति पे पट्टी बंधी हुई थी और लोग कह देते थे कानून अंधा होता है, उस बात को भी ख़त्म किया गया। अब कानून की देवी की पट्टी भी खोल दी गई, हाथ में तलवार की जगह पे संविधान दे दिया गया, तराजू भी दिख रहा है, ब्रिटिश बैलेंस नहीं होगा। पहले हो जाता था ऐसा, तराजू में 10 का सिक्का रख दो, तराजू ऊपर नीचे हो जाता था, कानून की देवी को नहीं दिखता था। तो लोग कह सकते थे अदालत धनबल, जनबल, बाहुबल में आ सकती है, आ रही है, ये थी समस्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो घटना थी, दुखद थी, बहुत दुखद थी, जो भी हुई, हिरण वाली भी घटना हुई, बिग बॉस शो का भी प्रचलन रुकना चाहिए, नहीं अच्छी बात है, और हिरण आस्था का प्रतीक ठीक है, लेकिन एक्चुअली ठीक है, मारा गया, लेकिन बिश्नोई समाज है या लॉरेंस है, वो ये मान ही नहीं रहा कि सलमान को सजा मिली है, वो सलमान की सजा से सेटिस्फाई ही नहीं है। सलमान को सजा तो हुई है, माननीय अदालत में सजा हुई, उसके बाद आगे अपील हुई, बेल हुई, तो सारा प्रोसेस तो हुआ। ऐसा ये कहना, केवल ये कह देने से कि माननीय अदालत, देखिए माननीय अदालत के फैसले को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन उतना ही गलत कह सकते हैं कि ऊपर
ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, सेशन कोर्ट में आप अपील करिए, सेशन कोर्ट ने सजा दी आप अंडरवल हाई कोर्ट में अपील करिए, अंडरवल हाई कोर्ट ने सजा दी बरकरार रखी तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, अंडरवल सुप्रीम कोर्ट आइए, SLP में आइए, रिव्यू में आइए, क्यूरेटिव में आइए, किसी तरह से आइए, तो उसमें सब तरह से चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सजा हुई इसको मानना पड़ेगा, हिरण की मौत हुई इसको मानना पड़ेगा, हिरण बिश्नोई समाज की आशा श्रद्धा का प्रतीक है, उनका सम्मान है, उनका आदर है, बिश्नोई समाज इस देश का मजबूत समाज है, जो कि चाहे सरकारी नौकरी हो, व्यापार में हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक हो, आर्थिक रूप से, इसको मानना पड़ेगा। और सलमान खान की जो विचारधारा है, अच्छे कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छा है, कहना चाहिए अच्छे को अच्छा कर, लेकिन कलाकार, लेकिन बिग बॉस तो ठीक है, लेकिन कल लॉरेंस बिश्नोई ने अगर ऊंच नीच कर दी तो नहीं रहेंगे, दिक्कत वे है कि सलमान ना रहे। देखिए भविष्य तो कोई वक्ता नहीं है, भविष्य खतरा तो है, खतरा है तो सुरक्षा भी है उनकी, जो चीज़ें हैं। अभी इस मामले में जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच चल रही है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, तो वो तो जांच का विषय है। बाबा सिद्दीकी की भी आप किसी को उम्मीद थी? देखिए अगर जाँच आ रहा है वही टपका रहा है। देखिए अब वो कहा जा रहा है कि इस तरह की ऐसी घटनाएँ हैं, अभी जाँच है, लेकिन आज जो बाबा सिद्दीकी की मौत पर नाराज हैं, क्या अनूप वो गायक थे, गुलशन कुमार, गुलशन कुमार इस देश का गायक था, भक्ति संगीत का बादशाह था, जब गुलशन कुमार की हत्या मंदिर के अंदर हुई, घेर घेर के हुई, घूम घूम के हुई और गोलियां चलाई गई, उस समय जब गुलशन कुमार मारा गया था तब भी मुंबई का एक कलाकार मरा था, तब भी इस देश का एक हीरा मरा था, तब भी इस देश का एक रत्न मरा था, तब भी संगीत की दुनिया का बादशाह मरा था, तब ये लोग कोई बोला था क्या कि मारने वाले कौन थे, क्यों थे, किस लिए थे? गलत हुआ। जब इस तरह की अफजल बात आती है, जब आपने सवाल पूछा तो कहा जाएगा अफजल की जब फांसी की सजा कानून के द्वारा हुई, ये क्या बोले कुछ लोग बोले इसी देश में, जो इसी देश का नमक खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी में सोते हैं, इसी में गाते हैं, इसी में शादी होती है, इसी में उनके बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने क्या बोला, तुम एक अफजल को मारोगे घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। इस देश में आतंकवादी पल रहे हैं, हम तो समझते थे पाकिस्तान में आतंकवादी है, हम तो समझते थे चाइना में गलत नजर से देखता है, लेकिन वो सुन के हर घर से अफजल निकलेंगे, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? हर घर से लॉरेंस निकलेगा, आप ये चाहते हैं कि उधर से अफजल निकले तो इधर से लॉरेंस निकले? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने उस समय कहा था हर घर से भारत में नहीं निकलेगा लॉरेंस, हर घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है।